नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूं तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूं, चाहे नया बॉल हो या किडनी खा के जाते हो क्या माता पिता? नहीं, कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहां मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा 90 के बाद कितना ही विक्टरी का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही, लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूं, तो उस वो सब चीजें याद करने की कोशिश करता हूं कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है। तो वो सब चीजें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनारियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन देश प्राइड कर तो गर्व होता है सबको। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था, वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था, और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले ने तकदीर भी ऐसी दी गेट, लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन तुरंत तो उसने बोला कि नहीं। और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुश खुशी में चले गए। खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर,
एक रन हो दो रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूँ, फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी क्या और ये में। भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे। बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के। मैं बताता हूँ जी, मैं इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए ये घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है, और आपकी जिंदगी के साथ ये जुड़ गई तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है, उनको जब पूछा गया तो बड़ा यानी दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिताजी का। उन्होंने कहा देखिए पहले देश बाद में बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जी। बताइए। सर थैंक यू, पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का, एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट हम जीते हैं, एंड बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्सी भाई साइड से बॉल डालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं बैट्समैन पे, और बैट्समैन मेरे को ट्राई करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलते हैं काफी सारे, और बाकी भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेंदबाजी की है तो मैं कहूंगा उसका फल मेरे को मिलता रहा, एंड वही काफी मजा आ रहा था मेरे को, विकेट्स मिल रहे थे एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है। अक्षर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे शायद उसको प्राइज देने का मौका मिला था 8th स्टैंडर्ड में। मेरा खुद तो खेल की दुनिया से रहा नहीं, लेकिन मैं खेल जगत में कुछ भी अगर हलचल होती है तो मेरा मन उनके साथ लग जाता है। कैच में यही था, उनकी पार्टनरशिप बनी हुई थी, पहले ओवर में विकेट गिरा था उसके बाद गिरा नहीं था, और जब कुलदीप बॉल डाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था उस तरफ ही हवा चल रही थी, तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि इजी कैच हो रहा है, बट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा, लेकिन जब बॉल गया तो मतलब ये तो राइट हैंड पे जा रहा है, तो फिर जंप मैंने मारा उस टाइम पे, और जब हाथ में इतना जोर से आवाज आया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार छूट जाते हैं ऐसे कैच, बट लकी था कि वर्ल्ड कप में इस टाइम पे जब टीम को जरूरत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने। तो अमूल का दूध काम कर रहा है। नड़ियात नु चवाड़ ऊपर नड़ियात टप टप। अच्छा खाने की थोड़ी दिक्कत थी अक्षर को, ढोकला दिखता। थैंक यू।
यू सो मच सर। हम कुलदीप कहे कि देशदीप कहे। पहले सर देश का ही हो तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मजा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ। और टीम में मेरा रोल भी वैसा ही अटैकिंग स्पिनर का, तो हमेशा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता हूँ, तो कैप्टन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालो मिडिल ओवर में। सो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिडिल ओवर में विकेट निकालूं, और फास्ट बॉलर अच्छे स्टार्ट दे देते हैं, एक दो विकेट निकाल देते, थोड़ा ईजी हो जाता है मिडिल ओवर में बॉलिंग करना। सो काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 3 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था, ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही है। तो कुलदीप तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया। अरे सर वाह, बहुत भाई चाहिए। मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं, तो मैंने उनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है।